मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी अभी मैं जस्ट सो के आई हूँ। बहुत लेट हो गई थी क्योंकि मेरे तबीयत बहुत ख़राब लग रही है मुझे। मेरे जुकाम हो गया मुझे और बच्चे भी मुझे आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं। वो रात में सो नहीं रहे हैं, 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो सुबह जगने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से आपको पता ही, मेरे दो दो बच्चे, दोनों ही बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो इस वजह से भी, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, जिससे क्या है ना, थोड़ा सा मतलब नींद पूरी हो जाए। लेकिन नींद ज़्यादा नहीं हो पा रही, लेकिन ठीक है, जितना हो रहा है उतना ही ठीक है। बच्चों के साथ तो सोना मिलता ही नहीं है। और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, डायरेक्टली मैंने चाय बना के पी है, अभी चाय बना के पी ली। उसके बाद मैं ना बर्तन साफ़ करूँगी और दलिया बनाऊँगी, क्योंकि जुकाम वगैरह चल रहा है, तो मैं ऐसा कुछ खा नहीं रही हूँ। तो दलिया क्या है ना, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। दलिया भी बहुत पौष्टिक होता है, तो इस वजह से मैं भी दलिया ही बनाऊँगी। और थोड़ा सा उसको घी में भूनना है। और उसके बाद यहाँ पर कुणाल खेल रहा है। कुणाल हाय। इसको बहुत काम रहते हैं सुबह ही सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है। जैसे मैं उठती हूँ ना, वैसे ही उठ जाता है। जैसे इसको बहुत सारे काम है, सब काम जो घर के हैं ना, वो इसी को करना है, इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाता है। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ भी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं आपको व्लॉग के लास्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम बर्तन साफ़ करते हैं, दलिया बनाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ जो बात करती हूँ। तो बाय बाय। तो मुझे दलिया भुनना है। भुना हुआ दलिया जो है वो ख़त्म हो गया है, वरना अक्सर मैं भुना हुआ दलिया रखती हूँ, तो जिससे क्या है ना, बस बनाने में आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने घी में जो है वो मैं भून रही हूँ। और इस तरीके से डिमांड से मैंने दलिया का पैकेट ले लेती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने घर से लाई थी वो दलिया ख़त्म हो गया है। तो इस तरीके से डिमांड में भी मिल जाता है दलिया, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी दलिया को। दलिया को आप जितने अच्छे से भून लोगे ना, वो उतना ही टेस्टी लगता है। तो इस वजह से मैं इस तरीके से भून के और बनाऊँगी। अभी थोड़ा सा ही भून रही हूँ, इकट्ठा भून के रख दूँगी डब्बे में भर के, क्योंकि अक्सर हम मैं बनाती रहती हूँ दलिया, क्योंकि टुन्नू जो है मेरा बेटा वो खा लेता है, बड़ा बेटा। तो इस वजह से थोड़ा बहुत मैं टुन्नू को भी खिला देती हूँ, क्योंकि अभी वो खाने लग गया है, तो इस वजह से मैं उसको भी थोड़ा बहुत खिला देती हूँ। तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे बिल्कुल धीमी आंच पे इसको अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे दलिया जो है वो बिल्कुल परफेक्टली भुन चुका है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। और बस इस भुनने के बाद दलिया को जो मैंने वहाँ पे एक साइड में जो है वो गर्म पानी चढ़ा दिया है, मतलब अदान जिसको बोलते हैं, वो मैंने रख दिया है। जैसे ही मेरा दलिया भुनेगा तब तक वो भी रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे वो पानी भी है, होने वाला है, तो बस थोड़ा सा और भुनेंगे इसको। और भुनने के बाद जो है वो मैं डाल दूँगी जो मेरा दाल निकल रहा है उसमें, और जो है दलिया बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा मेरी किचन भी मैसी हो गई है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये भी सब भी मुझे क्लीन करना है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। सुबह के टाइम पे थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है, आप कितना भी मैनेज करके चलो फिर भी हो ही जाता है। तो इस वजह से, तो बस मैं इसमें जो थोड़ा सा भुना हुआ रखा भी है पहले से, लेकिन ये कम था इस वजह से मैंने और भून लिया। तो बस मैं यहाँ पे सारे दलिया वलिया को जो मैंने भुना है उसको रख दूँगी, और जो चीज़ें बिखरी हुई उनको सेट कर दूँगी। सुबह का काम थोड़ा सा बिजी वाला होता है, क्योंकि सारी चीज़ें रहती हैं, ब्रेकफास्ट भी बनाना है, और जो मतलब दूध वूध भी गर्म करना है, चाय वगैरह बनानी है, सब कुछ। तो ब्रेकफास्ट में अक्सर मैं दलिया ही रहता है मेरा। आजकल हम लोग दलिया ही खा रहे हैं, वैसे पोहा वगैरह भी बन जाता है, लेकिन आजकल जो है तबीयत ठीक नहीं चल रही किसी की भी, तो हम लोग जो है वो दलिया ही खा रहे हैं। तो इस तरीके से जो दलिया मेरा बचा हुआ था कुछ मैंने डाल दिया है बनने के लिए, और कुछ जो बचा हुआ था उसको मैं भर के रख दूँगी, और जो पहले से भुना हुआ रखा था वो और ये दोनों मिक्स करके एक दिन और मैं बना लूँगी। तो बस मेरा जो है बर्तन बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि दलिया वगैरह भी बनाए थे इस वजह से, तो सब बर्तन वगैरह भी माँजेंगे, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा वैसे माँजती रहती हूँ, लेकिन आज मैं मन नहीं हुआ, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो गए। तो बस मैं उनको जो है वो क्लीन करके रखूँगी, और थोड़ा सा जो किचन है फैली हुई है उसको भी मैं साथ ही साथ इस तरीके से क्लीन करते रहती हूँ, जिससे ज़्यादा जो है वो फैलती नहीं है।
तो यहाँ पे मेरी किचन बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और अब मेरा जो है एक साइड में दलिया जो है वो अच्छे से पक रहा है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा देर तक इसको पकाती हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट पक रहा है। तब तक मैं यहाँ पे जो है जो बर्तन है उनको मैं क्लीन करके रख दूँगी। तो बर्तन बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, सारा काम हो गया है सुबह का और दलिया भी बन चुका है आप देख सकते हो। तो ये भी बन के रेडी हो गया है, अभी मैं टुन्नू को जो है वो खिला दूँगी। हे गाइस, तो अभी इवनिंग हो चुकी है, मॉर्निंग के बाद डायरेक्टली इवनिंग में ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि बच्चों में इतना बिजी हो गई थी कि सूट नहीं कर पाई थी। अभी मैं थोड़ा सा मार्केट आई हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने थे, जैसे कि शूज़ वगैरह लेने थे और उन पे थे नहीं, मतलब ऊनी नहीं थे, और उसके बाद टोपा वगैरह लेने थे, बस यही सब लेने आए हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे टुन्नू जो है वो थोड़ा सा ज़िद करने लग जाता है खाने के लिए और वो अक्सर ये टिक्की ही खाता है। वैसे अक्सर नहीं खिलाते हैं लेकिन जब कभी आते हैं तो वो मांगता है तो उसको खिला देते हैं, तो इस वजह से वो यहाँ पे अपनी टिक्की इंजॉय कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही है, मतलब बहुत अच्छे से पेड़ों को सजाया हुआ है यहाँ पर, तो बस वो बहुत अच्छा लग रहा था मार्केट में। काफ़ी टाइम के बाद भी मैं मार्केट निकली हूँ, आई थिंक मुझे एक वीक हो गया मैं बाहर नहीं निकली, तो इस वजह से भी। और बस यहाँ पे हम उसके बाद हम घर आ गए थे और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है डिनर की तैयारी कर रही हूँ और आज डिनर में मैं बना रही हूँ आलू के पराँठे। आलू के पराठे बनाए हुए मैं काफ़ी टाइम भी हो गया है, मतलब मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाए थे तो इस वजह से, और सर्दियां भी है तो आलू के पराठे तो अच्छे लगते ही हैं। मुंबई में भी हल्की सर्दियां अब होने लग गई हैं, तो स्टार्ट हो गई हैं, तो इस वजह से। और मैंने इसमें मटर और प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डाली है जिससे अच्छा सा स्वाद आए। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब मटर थोड़ा सा ज़्यादा डाली है, प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डाली है, आलू थोड़े से कम यूज किए हैं तो इस वजह से। और बस मैं घी लगा के इनको सेक लूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और गर्मा गर्म चाय के साथ, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। और उसके बाद मैं कल जो है वो मार्केट से दो रुस्क के पैकेट पी लेके आई थी, तो बस उन पैकेटों को जो है वो मैं डब्बे में जो है निकाल लूँगी क्योंकि अक्सर मैं जो है चाय खाली पेट नहीं पीती हूँ, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, टोस्ट ब्रेड कुछ भी, तो मैं यहाँ पर टोस्ट के पैकेट लेके आई थी तो उन्हीं को मैं डब्बे में रख रही हूँ जिससे लेने में आसानी होती है। तो एक डब्बा मैंने भर एक जो है पैकेट मैंने भर दिया था, दूसरा पैकेट भी खोल के हम भर देंगे और ये दो पैकेट का आराम से इस डब्बे में जो है वो बन जाता है। परफेक्ट डब्बा ये मेरा, इसमें दो पैकेट आराम से बन जाते हैं, तो अभी रख देंगे। यहाँ पे टुन्नू को मैं जो है अनार देती हूँ सुबह छील के खाने के लिए, तो बस वही दे रही हूँ। उसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि गाइस, अगर आप अपने बच्चों को जो है बोतल से दूध पिलाते हो तो आप ना एक मीशो से इस तरीके की बोतल जो है वो आप ले सकते हो। बहुत ही अच्छी सी बोतल मुझे ये मिल गई थी, मैं भी अक्सर प्लास्टिक यूज करती थी लेकिन प्लास्टिक डॉक्टर ने मना किया था, तो मुझे इस तरीके से मीशो पे मिल गई थी स्टील की बोतल, तो मैंने ऑर्डर कर दी थी। तो आप लोग भी जो है वो कर सकते हैं ऑर्डर, मीशो पर आप सर्च करोगे तो मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।